तो इंडस्ट्री में हम लोग स्टार्ट किए थे इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो इंडस्ट्री में अगर बात करें तो हम लोग बात किए थे क्या क्या मेजर इंडस्ट्री यहाँ पे झारखंड में बना है और क्या क्या रीजन्स है, ठीक है। तो उस पर अगर सबसे बड़ा मेजर इंडस्ट्री का बात करें तो वो क्या है, आयरन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बात करें तो सबसे पहले जो सबसे पहले आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्री बना था वो बना था क्या, टाटा के नाम से, ठीक है, टिस्को। टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था उसका मेन जो है वो टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, टाटा घराना के द्वारा। और ये बेसिकली जो टाटा कंपनी थी, टाटा जो घराना था उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1868 में, ठीक है, 1868 में। ये टाटा जो कंपनी था, ठीक है, ये बेसिकली ये पारसी थे, ठीक है, महाराष्ट्र के। और जो है सो अलग अलग जैसे जो, तो मतलब समझ में आ रहा है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट था टाटा कंपनी का, राज घराना का, वो 1868 में हुआ था और उसी के द्वारा टिस्को का स्थापना किया गया था। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील, इसका फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था तो बहुत सारा रीजंस था उसके कारण, जो ये स्टार्टिंग में जो माइंड में थाउट आया था कि जैसे ये ऐसा कंपनी बनाना है, ठीक है, टिस्को के नाम से, तो वो जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के माइंड में आया था। क्या नाम, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, जमशेद नौसेरवान जी टाटा, इसके माइंड में आया था। लेकिन इनका जो है सो माइंड में आया था लेकिन उनका डेट एस्टेब्लिशमेंट से पहले हो गया था, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट से पहले हो गया था। तो वह एक्चुअली में ये जो कंपनी का विचार था माइंड में तो ये आया था जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा के माइंड में, ठीक है, लेकिन ये जो बनाया गया था ये दोराबजी टाटा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। दोराबजी टाटा के द्वारा बनाया गया था कब, 1907 में, 1907 में। अगर बात करेगा उस टाइम वायसराय कौन थे, कौन थे बताइए, कौन थे बताओ, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, यही थे 1905 से लेकर 1910 तक। तो ये भी माइंड में रखना है कि जब टाटा स्टील का ये चार्ट, जब टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और अभी इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है, ये चेंज हो गया है नाम, ठीक है, टाटा स्टील के नाम से 2005 में। तो ये माइंड में ये रखना है कि ये जो माइंड में जैसा विचार आया था कि कंपनी ऐसा कुछ बनाना है स्टील के रिगार्डिंग, वो जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के माइंड में आया था, लेकिन वो जो मूर्त रूप जो उसको ग्राउंड रियलिटी पर जो आया था वो ये दोराबजी टाटा के द्वारा आया था 1907 में।
और 1907 में कंपनी स्टैब्लिशमेंट हुआ था, और जो अपना प्रोडक्शन है वो 1911 में ये आयरन से रिलेटेड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, और 1913 में स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये रखना है माइंड में कि जमशेदजी नौसरवान जी टाटा और दोराबजी टाटा का क्या रोल था। ठीक है, एक्चुअली में जो ये बनाया गया था पहले, जो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के बीच में, ठीक है, तो वो साक्षी नामक स्थान में बनाया गया था। ठीक है, लेकिन फिर पहले वो साक्षी नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जब लॉर्ड चॉम्सफोर्ड जो है, ये जो है इनका नाम चेंज करके जमशेदपुर कर दिए, ये जमशेद जी के नाम पर जमशेदपुर कर दिया गया नाम। और जो टाटा कंपनी है उस टाटा कंपनी के नाम पर वहाँ का रेलवे स्टेशन टाटा नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। टाटा नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और ये जो है सो पूरा इंडिया का पहला स्टील प्रोडक्शन का कंपनी था। ठीक है, अरे हाँ तो जो भी है अलग जगह देता है 13-14 एक साल, वो देख गूगल में सर्च करेगी तो ठट। हाँ तो 14 ही याद रखो, ठीक है, यहाँ तक बात है। और अब जैसे कि आखिर वहाँ पे क्यों बनाया गया, उस पर हम लोग डिसाइड ये बात किए थे कि जो है सो क्या रीज़न था जो कि जमशेदपुर यानी साक्षी नामक स्थान में ही बनाया गया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो रॉ मटेरियल उसको मिल रहा था, वहाँ पे वाटर भी था, स्वर्णरेखा और खरकई नदी का वहाँ मीट मिलन भी होता था। तो जैसे बात है कि कौन कौन सा, जैसे टाटा स्टील में जो यूज होता है, जैसे कोयला का यूज होता है या फिर जो भी यूज होता है कोयला या फिर जो रॉ मटेरियल आयरन ओर, उसका क्या लोकेशन है, कैसे जो है सो यूज होता है, हम लोग उसको जैसे अगर कभी जैसे अगर क्वेश्चन आ गया, मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने का, मतलब आयरन इंडस्ट्री के बारे में, तो वैसा हम दिखा सकते हैं। जैसे बात है अगर यहाँ से जैसे झरिया से उसको कोल का प्राप्ति होता है, ठीक है, कोल जो है जैसे यहाँ से, ठीक है, ये मान लो झरिया यहाँ पे है, यहाँ से इसको कोल मिल रहा है, ठीक है, और ये कौन से रिवर पे है, दामोदर रिवर पे, ठीक है, दामोदर रिवर से क्या मिल रहा है, उसको कोल मिल रहा है। ठीक है, इधर से जैसे कि ये जा रहा है, और जो कोल लेके जाता है, ठीक है, वो जो मुरी रेलवे स्टेशन, मुरी वाला जो बोकारो से, हाँ जो मुरी, वो पता है ना वो रेलवे लाइन, तो ये रेलवे लाइन जो है इसी रेलवे लाइन से, ये मुरी वाला रेलवे लाइन है, ठीक है,
बोकारो टू मुरी गया है कभी? ठीक है, तो इधर से जो है सो लेके जाया जाता है, और ये इधर से स्वर्णरेखा नदी इधर से आती है, और इधर से खरकई, ठीक है, ये खरकई रिवर इधर से, ठीक है, अरे स्वर्णरेखा रिवर जो है सो कहाँ से ऊपर से आती है ना, स्वर्णरेखा रिवर वो फिर साउथ साइड जाती है, यहाँ पे स्वर्णरेखा, यहाँ पे खरकई, यहाँ पे क्या है साक्षी जमशेदपुर था, ठीक है, और ये जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये जो रेलवे लाइन जा रहा है ये कोलकाता वाला रेलवे लाइन है, ठीक है, और इधर जो जाता है ये रेलवे लाइन ये मुंबई वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रीज़न है, ये तो यहाँ से क्या मिला, कोल, कोल मिल गया, कहाँ से, झरिया से, झरिया से क्या मिलता, कोयला, और उसको आयरन स्टील जो आयरन का ओर है वो नवामुंडी से, ठीक है, और उड़ीसा का जो मयूरभंज वाला इलाका है वो उधर मिलता है, तो नवामुंडी कहाँ पे है, वेस्ट सिंहभूम में, तो वेस्ट सिंहभूम इधर ही ना होगा, तो इधर से जो है सो आयरन ओर इधर से मिलता है, ठीक है, नवामुंडी से, और ये मयूरभंज से भी, ठीक है, क्योंकि वो पूरा जो आयरन ओर का जो बेल्ट है हम लोग बात किए हैं, जो पूरा 167 किलोमीटर का जो बेल्ट है, कौन सा एरिया का वो, कौन सा चट्टान है, कौन सा मतलब बिंद, ये बिंद श्रेणी का है, आर्कियन युग का, धारवाड़ क्रम का चट, ठीक है, तो ये इधर ही जो है पूरा बेल्ट है, कौन सा बेल्ट है, इधर आयरन का जो बेल्ट है इधर ही है, ठीक है, ये पूरा आपका वेस्ट सिंहभूम उड़ीसा साइड पूरा लेके जाता है, और जो मिलता है ये चूना पत्थर, इसमें चूना पत्थर का भी ज़रूरत होता है, ठीक है, तो वो कहाँ से मिलता है, सुंदरगढ़ से, ठीक है, तो सुंदरगढ़ से मिलता है क्या चूना पत्थर, ठीक है, और अगर जैसे कि मैग्नीज या क्रोमाइट का ज़रूरत पड़ रहा है तो वो चाईबासा से ही मिल जाएगा, ठीक है, ये मतलब क्रोमाइट जो जो हाथों में है ना, तो इधर ही मैग्नीज और क्रोमाइट भी है, हाँ, बेसिकली ये है कि ये जो दामोदर रिवर से वो कोयला से, कोयला, कोयला जो है सो झरिया से और रानीगंज से, ठीक है, रानीगंज से, और रानीगंज के बारे में ये भी जानना है, पूरा इंडिया में सबसे पहले अगर कोयला का खनन हुआ था तो रानीगंज में हुआ था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो खनन हुआ था पूरा इंडिया में वो रानीगंज में ही हुआ था, कहाँ पे हुआ था, रानीगंज में, तो यहाँ पे स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जो संगम होता है, और ये अगर पोटेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन अगर यहाँ पे साक्षी यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ तो अगर हमको कहीं पे सप्लाई करना है दूसरा कंट्री फॉर एग्जांपल, तो यहाँ कोलकाता में पोर्ट भी है, यहाँ से हम सप्लाई कर सकते हैं, मार्केट भी, अगर मार्केट तो है ही, और साथ साथ अगर हमको दूसरा कंट्री जो है सो एक्सपोर्ट करना है तो हम कर सकते हैं ना, हाँ, तो इधर फिर से मुंबई इधर जाएगा, ठीक है, तो ये रेलवे लाइन बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर जैसे कोई दूसरा कंट्री एक्सपोर्ट करना है तो क्या हम पोर्ट्स के थ्रू ही भेजेंगे या इधर से ही भेजेंगे, जहाँ पे नज़दीक पड़ेगा, तो ये जो है सो बेसिकली रीज़न था, क्योंकि ये ऐसा जितना भी इन्वायरमेंट था, हम कल बात किए थे वेबर थ्योरी के बारे में, वेबर थ्योरी के जितना भी कुछ कुछ फंक्शंस रहता है कि आखिर आप इंडस्ट्री बैठा रहे हैं तो क्यों, क्या क्या जो है सो रीज़न्स होता है जब आप कहीं इंडस्ट्री बनाते हैं, ठीक है, तो वो सब जो है सो बात को फॉलो कर रहा था, ठीक है, बेसिकली ये जानना है कि जो ये टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको कोल जो सो झरिया और रानीगंज से मिलता है, और जो ये चूना पत्थर वगैरह वो सुंदरगढ़ से मिलता है, और जो आयरन ओर है वो नवामुंडी और मयूरभंज जो बेल्ट है वहाँ से मिलता है,
और अगर क्रोमाइट वगैरह का जरूरत पड़ा तो यहाँ से, कोयला वहाँ से, ठीक है। और वाटर तो पता ही, सॉरी स्वर्णरेखा और खरकई नदी से। ठीक है, जितना भी मैटर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। तो अगर जैसे क्वेश्चन अगर आए तो ऐसा हम दिखा सकते हैं उसको ड्रॉ करके, ठीक है। तो ये जो है सो रीजन्स था। अगर बात करें जैसे टाटा आयरन, ये जो टाटा कंपनी है उसके अंदर बहुत सारा कंपनीज भी है, ठीक है। जैसे इस बार जो 7th JPSC में क्वेश्चन पूछा था कि TRF का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ठीक, टाटा रॉबिन्स फ्रेडर फ्रेजर्स, तो ये कहीं तो दिया हुआ नहीं है, ऐसा पूछ सकता है क्योंकि उसमें पूछा है कि नाम वगैरह भी, कौन कब 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 किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले बहुत सारा इसका अलग अलग कंपनीज भी है जो कि जमशेद, जैसे टाटा का तो बहुत सारा कंपनी है ना टाटा के अंडर, लेकिन बेसिकली हम लोग को उस कंपनी का जानना है जो कि जमशेदपुर में काम कर रही है, ठीक है, यानी जमशेदपुर में वो कंपनी काम करता है, ठीक है। जैसे टेल्को, टेल्को पहले कंपनी का नाम था टेल्को, और इसका नाम जो है सो अब चेंज करके कर दिया टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। तो जो टेल्को है तो ये नाम, ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, और इस गूगल करेगा तो 1945 ही देगा, ठीक है। और टाटा मोटर्स इसका नाम चेंज करके लिया 2003 में। अब बेसिकली नाम से ही पता चल जा रहा है ये जो ऑटोमोबाइल्स का पार्ट्स बनाता होगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स समझ में आता है ना, क्या होता है ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का ये पार्ट्स बनाता है, ठीक है, जो टाटा मोटर्स है, ऑटोमोबाइल जैसे बनाता है टाटा मोटर्स, ठीक है। 1945 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका 2003 में नाम बदलकर टाटा मोटर्स कर दिया गया था। टेल्को के नाम से, ये टिस्को के नाम से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और उसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया था, टाटा स्टील, कब किया गया था, 2005 में। उसके बाद है जैसे द तीन प्लेट ऑफ कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है, द तीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, तीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, ये जो जनरली है सो प्लेट्स बनाता है, ठीक है, द तीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, ये जो है सो हम लोग जो बात कर रहे थे टिस्को, टिस्को के अंडर ही काम करती है, ठीक है, जो टीन की चादर बनाती है, टाटा स्टील का ही यूनिट है, टाटा स्टील का ही यूनिट है ये, अ यूनिट ऑफ टाटा स्टील। क्योंकि एक ही काम किया जा रहा है, वो भी जो है सो टीन का, मतलब ये उससे रिलेटेड प्रोडक्शन कर रहा है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1920 में, द टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया अ यूनिट ऑफ टाटा स्टील, टाटा स्टील का ही यूनिट है, ठीक है। और जैसे जो क्वेश्चन पूछा था TRF के बारे में, ठीक है, ये बेसिकली जो है सो 1962 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और इसका नाम क्या है, टाटा रॉबिन्स, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर्स, ठीक है, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर्स।
ये एक्चुअली जो है सो उस समय जो है टाटा जो कंपनी थी वो, और फ्रेजर एक कंपनी था ठीक है यूएसए का, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर्स, दोनों को मिलके कंबाइंड से, जैसे टाटा कंपनी वो कहाँ का था, ये इंडिया का कंपनी था, और जो रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड जो कंपनी थी वो यूएसए का कंपनी था, वो उसको फाइनेंस कर रहा था ठीक है, इसीलिए इसका नाम टाटा रॉबिन्स फ्रेजर पड़ा था, ये इंडिया और यूएसए का कंपनी था। रॉबिन्स फ्रेजर्स ठीक है, वो पुराना नाम था उसका हैबिट रॉबिन्स फ्रेजर्स, लेकिन ये जानना है कि दोनों कंबाइंड होकर टाटा रॉबिन्स फ्रेजर बनाया था 1962 में, और यही जो से क्वेश्चन पूछा भी गया था 20 नवंबर 1962। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका, हाँ वो 1962 याद रखना है। वो तो दिया था मतलब जैसे डेट, मतलब बेसिकली डेट याद रखो ना, ईयर ईयर याद रखो, ईयर कब हुआ था। सो कोई भी स्पेशल कंपनी रहता है क्वेश्चन उसी का पूछता है। अब टाटा रॉबिन्स फ्रेजर का क्वेश्चन पूछने का रीज़न यही है क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी मर्ज होके बना था ठीक है, उसके बाद है टाटा पिगमेंट, ये टाटा पिगमेंट ठीक है, जो टाटा पिगमेंट है ये जनरली जो है सो आयरन लो ऑक्साइड बनाता है ठीक है। 1927 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लोह अयस्क बनाता है पिगमेंट्स, आयरन और बनाता नहीं उसको प्यूरिफाई करता है ठीक है। ट्वेंटी सेवन में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और जैसे बहुत सारा कंपनी है ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है लिख लो, टाटा पिगमेंट्स लिमिटेड हम लोग देखें, टाटा पिगमेंट्स लिमिटेड लिख लो, टाटा पिगमेंट्स लिमिटेड हाँ टाटा पिगमेंट के बारे में पढ़े ना, टाटा स्टील एलॉय लिमिटेड, तो टाटा स्टील एलॉय लिमिटेड नाइनटीन ट्वेंटी में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, टाटा स्टील एलॉय लिमिटेड का, टाटा स्टील एलॉय लिमिटेड का 1920 में, वो जो टीन प्लेट लिमिटेड था ना टीन प्लेट, वो उसी से मतलब वही उसी से जुड़ा हुआ है ठीक है, हाँ साथ में ही। उसके बाद है एक लिख लो आदित्यपुर टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड,
आदित्यपुर टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 मार्च 1996 को, 1996 को। आदित्यपुर टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड 1996 में, 19 मार्च 1996। उसके बाद लिखो टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड 1982 में। सब टाटा का कंपनी है, और उस कंपनी पर हम बात कर रहे हैं जो जमशेदपुर में जो है सो जिसका प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा कंपनी है, हाँ। तो टाटा स्पंज आयरन जो ये था 1982 में हुआ था, ठीक है। हाँ टाटा है, टाटा का लिखो टाटा ब्लूज कॉप स्टील लिमिटेड, टाटा ब्लूज कॉप स्टील लिमिटेड, ये 2002 में हुआ था, 15 जुलाई 2002। टाटा ब्लूज कॉप BLUSCOP ब्लूज कॉप स्टील लिमिटेड 2002 में। टायो रोल्स लिमिटेड 1968 में हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, 1968 टायो रोल्स लिमिटेड। नाइनटीन सिक्सटी एट टायो रोल्स लिमिटेड। और कुछ होगा तुम लोग देख लेना सर्च करके, ठीक है, क्योंकि उसमें दिया हुआ है उद्योग का स्थान और पूछेगा वो कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, कब, समझ में आया। और उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंपनी जो है, कौन है वो, बोकारो स्टील प्लांट। तो जो बोकारो स्टील प्लांट है सबसे पहले ये जानना है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है ये सेल के अंदर आता है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सेल का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये किया गया था 1950। हम सेल का बात कर रहे हैं, ठीक है। मेन ये जानना है कि सेल के अंदर टोटल 5 आयरन स्टील का कंपनी है, ठीक है, भिलाई में है, ठीक है, भिलाई है, दुर्गापुर है, ठीक है, उसके बाद बरनपुर, भिलाई, दुर्गापुर, ठीक है, बरनपुर, राउरकेला और बोकारो। अभी ये 5 कंपनी जो है सो सेल के अंदर है, ठीक है। और ये जो है सो सारा क्या कर रहा है,
आयरन स्टील का काम करता है, ठीक है, आयरन स्टील। और कैसा कंपनी है सारा? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, PSUs है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं कि सेल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954 में। सेल एक पूरा बॉडी है, ठीक है, जो पांच कंपनी को, जो स्टील से रिलेटेड जितना भी कंपनी है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, ठीक है, वो सारा कंपनी को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे पहला आपका भिलाई है, दुर्गापुर एक भिलाई में है, भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, और बरनपुर वो भी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में, और बोकारो जो झारखंड में। ये पांच टोटल कंपनी जो सेल के अंडर काम करती है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, ठीक है, उसको जो है सो काम कर रहा है। हम लोग जैसे बात किए थे कि जो यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया था, उसका मेन ये था, क्योंकि सेकंड फाइव ईयर प्लान में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में बनाया गया था क्या स्टील प्रोडक्शन का प्लांट, वो सेकंड फाइव ईयर प्लान में बनाया गया था। और सेकंड फाइव ईयर प्लान का मोटिव क्या था? इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का एग्रीकल्चर का। तो जब सेकंड फाइव ईयर प्लान में इंडस्ट्री डेवलप किया गया वहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ से ले जाया जाता था कोयला झरिया से, ठीक है, इधर कोयल बेल्ट से, तो वो जो जाता था तो वो उधर से खाली आता था, ठीक है, और वहाँ पे क्या था, आयरन ओर था राउरकेला मयूरभंज एरिया में। तो उसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सो, यहाँ पे ऐसा जो है सो ये दामोदर नदी भी था, ठीक है, और सेल का एस्टेब्लिशमेंट क्या, सेल 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 का 1954 में हुआ एस्टेब्लिशमेंट, क्या दे रहा है? तो उसका नाम चेंज हुआ था, देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम था उसका, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, वो 1954 में था। फिर बाद में जो है उसको स्टील, ये हाँ, तो इसको जो है सो बाद में ये जो है सो सेल किया गया था 1973 में, वो स्टार्टिंग में जो है सो ये 1954 में ही था, ठीक है, ये 1973 में इसका नेम चेंज हुआ था। पहले क्या नाम था? हाँ, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ठीक है, ये सेल आया था 1973 में। क्या बोल रहे थे, ये सेकंड फाइव ईयर प्लान में वहाँ पे बना था जब इंडस्ट्री, तो उसी के बाद जैसे थर्ड फाइव ईयर प्लान में बोकारो स्टील प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उसका नाम लिख लो सेल, जो है पहले हिंदुस्तान स्टील इंडिया लिमिटेड के नाम से था, जो 1954 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बाद में उसको सेल बना दिया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और वो 1973 में बनाया गया था। कब हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट? थर्ड फाइव ईयर प्लान में 1960
फोर में थर्ड फाइव ईयर प्लान में हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट बोकारो स्टील का। और जो है सो कब हुआ था इसका प्रोडक्शन स्टार्ट, वो जो वहाँ पे सबसे पहले 1972 में जो है सो 8 का वहाँ पे भट्टी लगा था, ठीक है, फिर 1974 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1974 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। कौन सा देश के सहयोग से स्टार्ट हुआ था? सोवियत संघ, ठीक है, यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत संघ के ये स्टार्ट हुआ था हेल्प से। और वहाँ पर जो है सो ये कौन सा रिवर से वहाँ पानी मिलता है? बोकारो वो दामोदर का ही सहायक नदी है, ठीक, मतलब तो दामोदर नदी से, ठीक है। और वहाँ पे गरगा डैम भी है, याद रखना है गरगा डैम, गरगा डैम। और तेनुघाट भी वहीं पे है, ठीक है, तो वहाँ पे से नज़दीक है ना। वो जो स्थान जो था एक्चुअली में वो माराफारी जगह था, ठीक है, माराफारी बोकारो। और ये जो है सो अलग, अब जैसे इसका जो रीजन था कहाँ से, ये जैसे कोयला जो है इसको कहाँ से मिलता है? झरिया से ही, क्योंकि वहाँ से नज़दीक है। कौन सा रिवर पे? यहाँ पे चूंकि ये जो पहले से जो है सो वहां पे रेलवे बताए ना क्या रीजन था, ठीक है, जैसे जब झरिया से ये यहां से कोयला लेके जाता था, ठीक है, इधर से, वो लेके कहाँ जा रहा था? जो पहले टाटा स्टील नहीं, जब बात किए वो जो सेकंड फाइव ईयर प्लान में जो बना था, ठीक है, तो वो जो राउरकेला में जो लेके जा रहा था, ठीक है, और तो उसी के जो है सो रिटर्निंग आते समय जो खा लिया था उसी को, उसी के कारण जो है यहाँ बनाया गया था ताकि यहाँ का भी डेवलपमेंट हो सके। समझ में आ रहा बात को? क्योंकि यहाँ पर जितना मटेरियल था वो था, अगर रहा बात आयरन और का तो हम उधर से ले आएंगे, ठीक है। तो इसको जैसे मेनली जो बात है कि जो आयरन ओर है वो कहाँ से मिलता है? ये क्योंझर से, ठीक है, कहाँ है क्योंझर? ठीक है, क्योंझर इधर से, यहाँ से क्या मिलता है? आयरन और लोह अयस्क। पानी तो है ही यहाँ पे, ठीक है, दामोदर और गरगा डैम भी है, ठीक है। क्योंझर से क्या मिलता है? लोह अयस्क, ठीक है, और चूना जो है सो वो चूना पत्थर मध्य प्रदेश से, ठीक है,
एमपी से, ठीक है, क्योंकि हम बात किए थे बिंदे श्रेणी में ही ना सारा चूना पत्थर है, तो वहाँ से, ठीक है। उधर जो है जैसे बादाम पहाड़ हम लोग बात किए, उधर से भी लो एस्क मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये ही सारा बेल्ट इधर ही है ना, उड़ीसा से नीचे वाला में इधर। तो जो वहाँ से क्या मिलता है, जो इसको कोल है वो झरिया से मिलता है, और क्यूंझर से मिलता है आयरन, और चूना पत्थर एमपी से, ठीक है, और पानी है ही वहाँ। सेल के अंदर काम करता है, ठीक है, टोटल सेल के अंदर कितना कंपनी है, पांच कंपनी है जो स्टील का प्रोडक्शन करता है। उसमें बात किए थे हम लोग कौन कौन सा था, बरनपुर और बोकारो स्टील प्लांट, बरनपुर, हाँ, तो जो ये दो मेजर इंडस्ट्री बड़ा बड़ा जो है सो आयरन और आयरन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके साथ जो है सो बहुत छोटा छोटा कंपनी है जो स्टील का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, और अलग अलग इंडस्ट्रीज भी है जो अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन करता है। तो हम लोग जैसे बात किए थे सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में, ठीक है, तो जो टाटा स्टील है उसका एस्टेब्लिशमेंट, ये पहले नाम क्या था, टेल्को, टेल्को या टिस्को, या टेल्को किसका नाम था, टाटा मोटर्स का नाम, टिस्को का टेल्को कब हुआ, अरे टिस्को का टाटा स्टील कब हुआ, 2005 में, और टेल्को का क्या बना, टाटा मोटर्स। और उसके साथ जो सो ये जो टाटा जो कंपनी था वो कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो टिस्को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हम बोल रहे टाटा जो, हाँ ठीक है, वो बेसिकली जो सो पारसी थे महाराष्ट्र के, वहाँ जो है सो ये विचार जो सबसे पहले आया था वो जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के माइंड में आया था। लेकिन इसका जो है सो अगर जैसे पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है कौन, जैसे माइंड में संस्थापना किया किसके द्वारा किया था, वास्तविक संस्थापक कौन है सो बताओ, और जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के माइंड में आया था, ठीक, वही तो पूछ रहे हम ना, एक्चुअली जो बनाया वो होगा ना वास्तविक संस्थापक, हाँ दोराब जी टाटा, लेकिन वो जो जमशेदपुर नाम पड़ा है वो जमशेद जी टाटा के नाम पर है, ठीक है। हम लोग बात के लॉर्ड चॉम्सफोर्ड के शासनकाल में उसका नाम बदल करके साक्षी का जमशेदपुर कर दिया गया था, और जो टाटा नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया था उसका रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है, पहले वो एक्चुअली साक्षी नामक जगह में बनाया गया था जो स्वर्णरेखा और खरखई नदी के संगम पर था, ठीक है।